27 मई 1997, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के आसमान में एक तेज आवाज होती है जिससे इस्लामाबाद के आम नागरिक चौंक जाते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 उस अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। F-16 की स्पीड ज्यादा तो है बट इट्स नॉट इनफ, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट को वो चेस कर रहे थे वो था इंडिया का MiG-25 फॉक्सपैट। ये ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि इतना तेज और इतना ऊंचा क्लाइंब करने में सक्षम था कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट, यहाँ तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी ये चकमा देने में सक्षम था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी लेजेंडरी एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इस एयरक्राफ्ट से जुड़ी कई सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेगी। कोल्ड वॉर के दौरान एक नए तरीके का वेपन बन के तैयार हुआ जिसे कहा जाता था इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर्स। ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी रेंज इतनी है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, और इन बॉम्बर्स की फ्लाइंग हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, सोवियत को जब ये बात पता चली कि अमेरिका एक ऐसे बॉम्बर को बनाने में काम कर रहा है जो 70,000 फीट के ऊपर तक फ्लाई कर सकता है और स्पीड भी Mach 2 से ज्यादा है, ये प्रोग्राम था अमेरिका का XB-70, और जो कि USSR का साइज इतना मैसिव है तो ये बॉम्बर कहीं से भी घुसता और न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता। साथ ही अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन्स भी 70,000 फीट के ऊंचाई से उड़ते हुए सोवियत के न्यूक्लियर मिसाइल सिलोस की लोकेशन जान चुकी थी। तो सोवियत यूनियन को इन्हें रोकने के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जिसकी परफॉर्मेंस अमेरिकन B-70 को मैच कर सके और इसको फास्ट प्रोड्यूस किया जा सके, साथ ही ह्यूज नंबर्स में, ताकि पूरे एयर स्पेस की सुरक्षा करी जा सके। इसी तरह से जन्म हुआ MiG-25 का। अमेरिकन B-70 को चेस करने के लिए इसके इंजन को भी पावरफुल होना था और एक नया इंजन को डिज़ाइन करना बहुत टाइम टेकिंग है, तो उन्होंने क्रूज मिसाइल में लगने वाले टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया। ये दुनिया के सबसे बड़े इंजन्स थे जिन्हें किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाए गए हो। इन इंजन्स को बदला भी जा सकता था क्योंकि इनकी सर्विस लाइफ केवल 150 आवर्स की ही थी। Mach 3 से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ने की वजह से इस एयरक्राफ्ट को हाई टेम्परेचर से भी जूझना था, लेकिन लाइटवेट हीट रेजिस्टेंट टाइटेनियम को मास स्केल पर बनाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इंजीनियर्स ने प्लेन को भारी निकेल स्टील एलॉय से बनाया जिसको इजीली रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये 18 टन का एयरक्राफ्ट मैनूवरेबल नहीं होगा। एनिमी बॉम्बर्स को लोकेट करने के लिए इसमें स्मर्च ए राडार था जो कि 100 किलोमीटर दूर से टारगेट को लोकेट कर सकता था, एंड इसको केवल एक तरह के मिसाइल की ज़रूरत थी, वो था 4 एयर टू एयर मिसाइल्स। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के 2 वर्जन्स बनाए गए थे, एक तो मेन इंटरसेप्टर और एक था रिकॉनिसेंस वर्जन। इस रिकॉनिसेंस वर्जन में पावरफुल सर्वेलेंस कैमरास लगे थे, साथ ही इसकी रेंज और सर्विस सीलिंग भी ज़्यादा थी, एंड ये वर्जन ही मिला हमारे इंडिया को। 1967 में एयर शो के दौरान वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस जेट को पहली बार देखा और ये फर्स्ट टाइम था कि सोवियत के किसी प्लेन को USA भी मैच नहीं कर पा रहा था। पूरे 10 सालों तक ये मिस्टीरियस जेट अलग अलग वेस्टर्न पार्ट्स में जाने लगा और वेस्ट बस देखता रहा, क्योंकि इतने हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को कोई भी फाइटर कैच नहीं कर सकता था। लेकिन 1976 में एक सोवियत पायलट ने ट्रेनिंग के दौरान धोखेबाजी से इस प्लेन को चुराया और लैंड कर दिया जापान के एक एयरपोर्ट में। इसी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहली बार फिजिकली इस प्लेन को देखा, और जो कि ये प्लेन अभी वर्ल्ड के सामने डिस्क्लोज हो चुका था, तो USSR ने अपने एलाइड देशों को ये एयरक्राफ्ट देने का फैसला किया। सोवियत यूनियन ने 1980s के दशक में इंडिया को ये प्लेन ऑफर किया, एंड उस टाइम भारत के पास सैटेलाइट्स भी नहीं थे हमारे शांति प्रिय पड़ोसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए। तो भारत ने सोवियत प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1981 में MiG-25 जेट को खरीदा, और इस डील को बहुत सीक्रेसी के साथ किया गया था, इतना कि एक और डील सोवियत और इंडिया के बीच हुआ था। इस डील में इंडिया ने सोवियत यूनियन से सैकड़ों की तादाद में एंटोमोव विमान भी खरीदे। ये डील पूरे वर्ल्ड को पता था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इन विमानों के अंदर MiG-25 फॉक्सबैट के पार्ट्स थे जिन्हें भारत में लाके असेंबल किया गया। इसी तरह से भारत ने 10 MiG-25 फॉक्सबैट को एक्वायर किया, जिनमें से 8 विमान सिंगल सीटर थे और 2 टू सीटर ट्रेनर जेट्स थे। इनको रखा गया उत्तर प्रदेश के बरेली एयरबेस के 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में, वो भी अंडरग्राउंड करके, क्योंकि इनके मिशन टॉप सीक्रेट होते थे। लगातार 15 सालों तक भारत के MiG-25 पाकिस्तान के ऊपर नज़र बनाए हुए थे, और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ये बात जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे।
क्योंकि कई बार पाकिस्तानी F-16 के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी गई, लेकिन F-16 की स्पीड उसको मैच ही नहीं कर सकती। और स्पीड भी मैच कर ले फिर भी MiG-25 65,000 फीट पर फ्लाई कर रहा होता था और F-16 हाईएस्ट 50,000 फीट तक ही क्लाइम कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरास के द्वारा ये पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट पोस्ट्स की तस्वीरें खींचता गया। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान MiG-25 की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा खींचे गए फोटोज से इंडियन आर्मी को एनिमी के एग्जैक्ट आउटपोस्ट्स का पता चल पाया। अभी 1997 में जो हादसा हुआ था उसकी अगर बात करें तो MiG-25 ने पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर तो किया था सबसोनिक स्पीड में, लेकिन आते वक्त सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लिया जिससे सोनिक बूम की सृष्टि हुई। कहा जाता है कि पायलट ने पाकिस्तान को पोक करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। 2006 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये बात अनाउंस करी कि हमारे पास MiG-25 फॉक्सबैट है और 25 साल की सर्विस के बाद इसको रिटायर कर दिया गया, क्योंकि अभी हमारे पास एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम्स है और इसकी स्पेयर पार्ट्स मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। 25 साल अपने निडर सर्विस इंडियन एयरफोर्स को देते हुए इस विमान ने विराम लिया। तो दोस्तों ये थी कहानी MiG-25 फॉक्सबैट की। वैसे हमने आपको नहीं बताया कि ये फॉक्सबैट नाम इसको कैसे मिला। दोस्तों ये नाम इसको मिला था नेटो के द्वारा। इसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर बेस करके बनाया गया MiG-31 फॉक्सहाउंड को, जिनका इस्तेमाल अभी रशिया कर रहा है यूक्रेन वॉर में। यही बोल के वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।